बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के? मेरे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी अच्छे गुजर रहे होंगे। तो बस मैं आज आपको ही बताना चाह रही थी, मैंने कहा कि आज मैं ज़रा इतकाफ़ में बैठ रही हूँ 10 दिन के लिए, तो 10 दिन तक मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो बस आज मैं ये समोसे बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करूंगी। अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल करे, सबकी इबादत को कबूल करे। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए, तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हज उमरे की तौफीक दे, इतकाफ़ की तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको बैठने की। अल्लाह से 10 दिन तक हम अल्लाह से करीब रह सकते हैं, इबादत कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो बस ये है कि आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ की करूँगी। और बस अभी मैं ये समोसे बनाने जा रही थी, क्योंकि फिर असर के बाद तो मैं चली जाऊँगी। तो आज हम ये बनाएंगे आलू के समोसे। तो उसके लिए देखें, हमने ये मैदा लिया है, 1 कप 1.5 कप मैदा है ये, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा ये डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक ये डाल देंगे। पानी से इसको हम भून लेंगे ज़रा। अच्छा, आटा तो हमने भून के रख लिया था, तो अब ये हमारा हम इसका भुर्ता तैयार करेंगे। देखिए, हमने आलू उबाल के ये मैश कर लिए थे हमने। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ये देखिए, ये 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून नमक है। नमक मिर्च तो आप कम ज़्यादा जिस तरह खाते हो उस तरह कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून है, 3-4 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप कर ली, और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है। ये हमने सारी चीज़ें अब इसके अंदर मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छा बहुत से इसका ना ये जो ये इसका बैटर है, इसको जो है ना लोग बहुत से वो फ्राई करते हैं, समोसों के भुर्ते का जो होता है ना, ये आलू का भुर्ता, इसको लोग फ्राई करते हैं बहुत से। मैं फ्राई नहीं करती, मैं इसे इसी तरह ही बनाती हूँ। ज़रा आलू तो बॉयल होते हैं, कच्चे तो होते नहीं है, और समोसे में जाके जब उसे फ्राई करेंगे तो खुद ही अंदर से वो हो जाते हैं। तो खानों को ये कि आसान बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से झटपट हो जाए। अब इस तरह बॉइल करके सारी चीज़ें इसमें काट पीट के मिला के, और बस समोसे में भर लें जल्दी से। देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह। ये देखिए आटा हमारा तैयार है, अब हम ये बनाने शुरू करते हैं। रोटी सी बना के छोटे थोड़े छोटे बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, बाजार की तरह इसको 2 पीस कर लेंगे इस तरह।
रिंग हमने बनाई है, ये देखिए इसको लेंगे, इसको एक साइड यूँ करेंगे, एक साइड इसके ऊपर यूँ करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर ये लगा देंगे सा, इसको यूँ कर लेंगे। इसी तरह दूसरा लेंगे, इसको यूं करेंगे, ऐसा कर देंगे, छोटे छोटे से बस बनाएंगे। अच्छा, वो हमने आधे समोसे हमने आलू के बना लिए थे और ये हमने रोल बनाए थे 2 दिन पहले, ये इसका ये हमारा ये लेफ्ट ओवर फिलिंग है हमारी, तो ये हम इसके अंदर बाकी बचा हुई हम इसके समोसे बना लेंगे कुछ। इसको वो करेंगे, दूसरा इसके ऊपर ले आएंगे, ये भाई इस तरह कोन बन जाएगी, फिलिंग डाल देंगे इसके अंदर, इसके अंदर चिकन सब्जियां ये सारी चीज़ें, इसके अंदर हमने रोल बनाए थे तो लेफ्ट ओवर हमारी फिलिंग है। फिलिंग अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, मुझे वैसे कुछ भी मुझे भरे हुए अच्छे लगते हैं। ज़रा इसको यूँ रख के ऐसा ही बंद कर देंगे, सीधा दूसरा भी कर लेंगे। इसे तो सारे हम समोसे बनाते चल जाएंगे, कुछ आलू के बनाए हैं, कुछ चिकन और सब्जी के, ये देखें। ये देखिए अब हम जो है ना इनको फ्राई करेंगे समोसे को, बिस्मिल्लाह हमारे में, ये देखें
अपने घर के हिसाब से ना छोटे बनाए। बाहर जाए उसमें तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, बड़े चमचे होते हैं। हमने अपने घर के हिसाब से छोटी कढ़ाई, छोटे चमचे, छोटा मटेरियल। ये देखिए अब हमने ना इनको टर्न कर दिया है। देखिए माशाल्लाह से देखें कितने हल्के हल्के आंच में इतने अच्छे से ये क्रिस्पी से देखें फ्राई हो रहे हैं। घर का मटेरियल, घर का मैदा सब कुछ है तो इतने अच्छे, ये घर की साफ सुथरी चीजें बना के खिलाया करें बच्चों को, घर वालों को। इसका बना के फ्रीज कर दिए और बस आम दिनों में भी कर सकते हैं, किसी की टी पार्टी हो उसके अंदर भी बना सकते हैं। बस आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बस अब ये मैं समोसे तल के बस मैं अब 6 बजे जो है मैं चली जाऊँगी अपने कमरे में चली जाऊँगी एहतिकाफ़ के लिए। और आप लोगों ने मेरे लिए, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला मेरे एहतिकाफ़ कबूल करे। इतने लोगों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे और सब लोगों को इसी तरह एहतिकाफ़ में, बच्चियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां, अल्लाह सब को तौफीक दे कि हज उम्रे की भी तौफीक दे। लेकिन एहतिकाफ़ तो ये है कि इतना मुश्किल नहीं है, तो ये है कि इसकी तौफीक दे अल्लाह ताला सबको बैठने की, अल्लाह के नज़दीक रहने की। 10 दिन हम अल्लाह के नज़दीक रहेंगे, अल्लाह से इबादत करेंगे, अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला, गफूर रहीम है। तो बस आप लोगों से बस मैं अब ये 10 दिन के लिए जो है आपको मेरी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआएँ करनी है और मैं भी करूँगी। फिर ईद के बाद जो है, ईद पर जो है फिर आप लोगों से जो मुलाकात होती है हमारी। ये देखिए समोसे हमारे बिल्कुल जो है रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल सही कलर आ चुका है, गोल्डन गोल्डन का। ये देखो कितना बेहतरीन बाजारी कमर्शियल समोसे जो होते हैं बिल्कुल। और इसके अंदर जो हमने फिलिंग की है वो भी इतनी जबरदस्त फिलिंग हुई है। आधे हमने आलू के बनाए, आधे हमने जो है चिकन और सब्जी के बनाए हैं। तो जिसको सब्जी के खा लें, दोनों खा लें, जिसका भी खा लें, देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बने। ये देखें समोसे मेरे सारे रेडी हो चुके हैं और अभी फ्राई हो रहे हैं। और ये हमने देखे बना ली कितना अच्छा माशाल्लाह। कलर देखें आप, इक्वल एक जैसा कलर आया है सब पे और बहुत मज़े की क्रिस्पी बिल्कुल बने खस्ता। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितने सॉफ्ट हो रहे, इतने खस्ता क्रिस्पी समोसे बने। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, ईजी है। तो बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बस आप मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा कि मेरा इतकाफ़ अल्लाह कबूल करे और आप सबकी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह सबको अपने हंसा वस्ता अपने घरों में खुशाबाद रखे, दस्तरखानों को इसी तरह वसी रखे, इसी तरह आबाद रखे, नए नए जायके अल्लाह ताला अता फरमाता रहे। हमारे हाथों में भी अल्लाह ताला जायके दे कि हम अपनी फैमिली को सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहें। फरजाना के दस्तरखान से मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। ईद पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।